गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? तो याद है ना, रात को आटा गूंदा था मैंने, मेथी मक्की बेसन और गेहूं वाला। आज उसके पराठे बन रहे हैं, साथ में बन रही है चाय नाश्ते में। आप भी आ जाओ फ्रेंड्स। सबको नाश्ता करा दिया, अब मेरी बारी है नाश्ते की। तो मैं नाश्ते में खा रही हूँ योगर्ट विद फ्रूट्स। इसमें है अनार, ब्लैक ग्रेप्स, बहुत ही थोड़ा सा बनाना, और इसमें मैं ऐड करूँगी सीड्स एंड बेरीज। मिक्स सीड्स हैं ये, बहुत हेल्दी होते हैं। और अब इसमें ऐड करूँगी बेजल सीड्स, यानी थोड़े से सब्जा। ये गया सब्जा। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये हमारी ग्रीक योगर्ट मैंगो फ्लेवर्ड, और सब कुछ मिक्स करके मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी। सब्जा थोड़े से फूल जाएंगे, देन आई विल हैव माय यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग जीजू। यार आजकल रोज 4-5 करोड़ की कमी महसूस होती है सुबह सुबह। क्या ऐसा मन करता है 4-5 करोड़ रुपए मिल जाए कहीं से। कमी महसूस होती था, सोलह से थे और अब है नहीं। हाँ तो कमी महसूस होती है, करोड़पति आदमी। सो गाइस, आज आपके जीजू से शुरुआत कर दी है मैंने, देख लो व्लॉग की, अब खुश हो जाओ। एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है एक्स गर्लफ्रेंड, ये 4-5 करोड़ के महंगे हो चुके हैं, आते नहीं है अब हाथ में। अरे हम तो वहीं पे हैं, तुम्हारा स्टेटस बढ़ गया है, तुम लेती नहीं आजकल मेरे ब्लॉग में। मुक्का मार दे मैंने सुबह सुबह। क्या जरूरत है, ऐटो हमारा ब्लॉग चल रहा है उधर, देखा है हम खाना बनाए। अच्छा सुना बोलो। एक बंदा अपनी ना एक्स गर्लफ्रेंड को कहता है हमारे पास तो सिर्फ तुम्हारी यादें हैं, अब टेंशन तो नहीं होनी चाहिए जिनकी तुम बीवी हो। सही बात है, बच गया वो, उसको पता तो था ये बीवी बन जाती तो क्या होता मेरा। तुम अपनी इस हंसी को पेटेंट करा दो। मैं कौन सी हंसी? जैसे तुम हंसती हो। मुक्का मार दूंगी मैं। अब तुम मेरी हंसी का मजाक उड़ा। सीरियसली बोला था कि एक बार रिकॉर्ड करो अपनी हंसी में, अब जब आप नहीं रहोगे तो सुनूंगा बैठ। हाय हाय। यादों में आपको याद करूंगा। हाँ बेटा कर ले रही हो रिकॉर्ड मेरी हंसी, और सामने फोटो लगा दियो मेरी, ठीक है ना? बिल्कुल मत लगाइए साले। फोटो के नीचे वो स्पीकर से चलाऊंगा। हाँ, सामने मेरी फोटो लगा दी तेरे बाप को घूरते हुए। क्यों नहीं चला देते मेरे जाने के बाद भी, ये कहीं तंग ना करे तेरे को। हम 5 सीरियल लाता था ना, उसमें दीवार पर टांगी हुई थी पहली बीवी। पहली बीवी दूसरी थोड़ा थी उसकी, दूसरी बीवी थी ना उसकी, वो उसको सिर्फ फर्स्ट वाली दिखाई देती थी। पहली बीवी से 3 बेटियां थी, दूसरी से 2। अच्छा तो हम 5 सीरियल का ना। तो पापा को दोबारा शादी मत करने देना मेरे बाद, ठीक है? मैं पागल हूँ जो एक गलती दोबारा करूँ। इतनी अच्छी बीवी मिली है तुमको, ऐसी दोबारा मिलेगी भी नहीं। नहीं मिलेगी तभी तो। इसीलिए मैं क्यों तो मेरी फोटो सामने लगाना, बिल्कुल सामने। अभी देखो तुम्हारे गुरुजी के साइड में, तुम्हारे साथ इतना मुश्किल गुजारा हो रहा है, अगर तुम्हारे से भी खराब आ गई तो सत्यानाश हो जाएगा मेरा। बताती ठहर जाओ बेटे, तुम्हारे से भी खराब जाएगा मतलब। बात देख ले तेरी मम्मी के लिए कैसे बोल रहे हैं पापा। नहीं मिलेगी तुम्हारे जैसी, लानी भी नहीं है मेरे को। बात कर रही है बढ़िया लामा ना, एकदम फर्स्ट टन मत क्लास बेटे। मारना नहीं मारना। All karma comes back in cycle, don't you worry. I know. पार्ट फोटो लगाएगा ना मेरी? हाँ। ना, और मेरी हंसी भी रिकॉर्ड करके रखेगा बेटे। मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। मेरी 2 फोटो लगाई हुई, एक हंसती हुई और एक गुस्से वाली। एक्चुअली व्लॉग में इतनी तो हंसी रिकॉर्ड हुई हुई है आपकी। व्लॉग से ही हाँ, व्लॉग ही देख लियो मेरे भाई, याद कर लियो। सालो तुम लोग बोलते ऐसे रहे जैसे मेरे को मरने की प्लानिंग कर रखी है पूरी। नहीं कह रहा कि पापा रह जाएंगे, आप पैसे दोगे। मैं तो मेरे को आज पता क्या कह रहा यार, उसकी बात पूरी दोनों इकट्ठे बात करते। पार्थ सुबह पता क्या कह रहा था मुझे, सुबह पार्थ क्या कह रहा था? पार्थ कह रहा था, पार्थ कह रहा था आजकल मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने कहा क्यों? कह रहा जितनी बार भी मैं चीनी लेके आता हूँ मीठी निकल रही है हर बार। पार्थ पापा किसी का भी नाम लगाते हैं जोक सुनाने में। आ, वैसे तो तेरी मम्मी ने कहा था ऐसा, पर मैं तेरे को सुना रहा हूँ। किस्मत इतनी अच्छी है कि वो भी मीठा निकलता है। हाँ वो भी नमकीन निकल रहा है, मीठा निकल रहा है तुम्हारा नमक साले। तुम्हारा नमक खत्म हो चुका है जीवन में बेटा, वो चीनी पीस के ले गया तुम बिल्कुल भी नमकीन नहीं रहे मोहित शर्मा, 45 साल के बूढ़ा हूँ, तुम नमकीन नहीं रहे अब। सही बात है, शुगर पाउडर लेके आए पापा हमको। तुम शुगर फ्री हो चुके हो, तुम्हारी वो शुगर ज्यादा आई थी ना
मेरी शुगर कब ज्यादा आई है, भूखा मार दूंगी जबरदस्ती, लेकिन मेरी नहीं आएगी कभी भी। तुम प्री डायबिटिक हो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत बढ़िया कलाकार हो, लगा दो तुम मुझे, बहुत बड़ी कलाकार हो तुम, कलाकार इतनी शुगर होने के बाद भी, थैंक यू, इतनी शुगर होने के बाद भी इतनी सी भी जुबान में नहीं आने देती अपने, देख ले बात, पापा कैसे बोलते हैं, जोक है जोक। और तुम्हें पता है सबसे ज्यादा कमेंट मुझे क्या आते हैं, दीदी आपकी वॉइस बहुत स्वीट है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, ये देख लो शर्मा जी को मेरी जबान मीठी नहीं लग रही। अरे तो शर्मा जी की तरह वो सारा दिन तुम्हारे साथ थोड़ी रहते हैं, इसलिए तुम्हारी जबान मीठी लगती है। आधा एक घंटा तो मैं भी झेल लूं तुम्हें, हाय हाय, बाकी 23 घंटे मैं नहीं बना रही खाना, जाओ तुम अपने आप बना लो। मम्मी ने आपको शुगर फ्री बोला ना, मेरे को ना आज ऑर्डर मिला हुआ इन लोगों से छोले भटूरे बनाने का, मैंने तो मना किया, बिल्कुल मत बनाओ छोले भटूरे, ठीक है मैं नहीं बना रही हूँ बस, थैंक यू। क्यों नहीं बना रहे, पापा ने मना किया ना, ये क्या बात, मैंने खाने नहीं भटूरे, मैं पहले बता रहा हूँ, मत खाओ आप, मत खाओ, मैं बना नहीं रही। खांसी आ रही है, हाँ और जोक सुना दो। एक छोटा बच्चा होता है वो ना स्कूल जाता है, उसकी मैम ना उसके उसने कभी अपने हिप्स नहीं देखे होते पीछे मुड़ के बेचारे ने ना, बम्स बम्स, ओह माय गॉड, बच्चे ने देखे नहीं होते नहीं। तो टीचर ना उस दिन उसके डंडे मार देती है 2-3 हिप्स पे, हाय हाय, बेचारा घर आता है शीशे में निकाल के ऐसे पीछे करके देखता है, कह रहा हाय कितनी जालिम है, मार मार के 2 फाड़ कर दिए। पहली बार देखा बच्चा प्रिया की। आपके जीजू के जोक से हुई, अब मिस मत करना उनको, ठीक है। आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, पार्थ के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, 9th खत्म हो गई है, मतलब वैसे स्कूल खुलेगा अभी थोड़े दिन बाद, 2-4 दिन बाद, उसके बाद फाइनली सेशन एंड होगा। तो कल ही बोलकर सोया था, मम्मी मुझे छोले भटूरे बना के खिलाओ। अब मैं मैदा तो उसको खिलाती नहीं हूँ, ना खुद खाते हैं हम मैदा ऐसे, अनलेस मैं मकबैंग कर रही हूँ, तो इसलिए आज मैं फर्स्ट टाइम बनाऊँगी सूजी के भटूरे। सूजी वर्ड ही अजीब सा है, या तो सूजी का नाम खाली सूजी होना चाहिए था और दूसरा वर्ड सूजी नहीं होना चाहिए था, कि किसकी सूजी, कैसे सूजी, क्या सूजी। तो वीडियो देखा है मैंने सूजी का भटूरा बनाने का, आज ट्राई करते हैं भटूरा कुछ बनता है कि नहीं। और अभी मैं छोले चढ़ाने लगी हूँ, तो चलो आपको फटाफट से छोले की अपनी रेसिपी दिखाती हूँ। मैं बहुत अलग अलग ढंग से बनाती हूँ, कुछ महीनों से मैंने गरम मसालों को यूज़ करना बिल्कुल छोड़ा हुआ है, और अब तो वैसे भी समझ आ रही हैं, तो मैं गरम मसाले नहीं डालूंगी, ठीक है, मतलब खड़े मसाले वगैरह, उसके बिना भी बहुत टेस्टी यम्मी बनेंगे छोले। तो पहले हम यहाँ पर छोलों का मसाला तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो जी सबसे पहले हम ऐड करते हैं इसमें नमक, वाइट वाला नमक, ठीक है। अब आपको छोले स्वाद बनाने हैं तो आप इसमें डालो थोड़ा सा काला नमक, पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट आता है ना, थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये थोड़ी सी हल्दी, और डबल कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, ठीक है जी, और एक चम्मच भर के चाट मसाला या अमचूर पाउडर, आपको जो पसंद हो, और साथ में आप अपने टेस्ट के हिसाब से रेड चिली पाउडर डाल सकते हो, बट मैं रेड चिली पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और फाइनल चीज़ इसके अंदर जो कि बहुत ज़रूरी है वो है कसूरी मेथी, ठीक है जी। तो ये मसाले का मिक्स हमने तैयार कर लिया है, और आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी छोले बनेंगे। कुकर में मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, इसको अच्छे से तेज़ गरम करेंगे हम, और हम तैयार करेंगे अपना पेस्ट प्याज लहसुन और टमाटर का ब्लेंड करके। सो फ्रेंड्स हमारा ऑयल हीट हो गया है, अब हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे, मैंने ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया था तो गैस भी बंद कर ली थी, ठीक है, जीरा, एक तेज पत्ता डाल रही हूँ बस, मैं और कोई खड़ा मसाला नहीं डालूंगी, और हींग, ठीक है, इसको करेंगे हल्का सा मिक्स, लो फ्लेम पर रखेंगे, और अब इसमें हम डालेंगे हमारा ब्लेंड करा हुआ पेस्ट, ठीक है, अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। अब हम डालेंगे जो हमने अपने सूखे मसालों का मिक्सचर तैयार किया है,
तो ये टोटल नमक मैं ले चुकी हूँ, अब इसमें बाद में कुछ ऐड नहीं करना है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको कलर थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा अभी, क्योंकि मैंने कोई लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करी, उसको डालने से थोड़ा कलर आ जाता है, लेकिन बिना मिर्ची के भी आप लोग खाएँ ना तो बहुत ज़्यादा स्वाद बनता है खाना, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में बस ये गलत फहमी होती है कि मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली तो फिर स्वाद कैसे होगा। ठीक है जी, तो अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे मसाले को मीडियम फ्लेम पर, 2 से 3 मिनट तक मैं ऐसे चलाते हुए पका लूँगी। मीनवाइल यहाँ पर हमारा उबल रहा है पत्ती वाला पानी, तो मैंने पानी के अंदर चाय पत्ती के 2 चम्मच डाले हैं। इसको हम ऐड करेंगे छोलों के डार्क कलर के लिए। तो हमारा मसाला भी भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे अपने वाइट चिकपीस जो पूरी रात भिगो कर रखे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको मीठा सोडा वगैरह डालना पड़ेगा और उससे फिर छोलों का टेस्ट अलग सा हो जाता है। लेकिन अगर आपने फुल नाइट भिगो के रखे हैं तो आपको कोई सोडा वोडा ऐड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बस छोले डल गए, सब कुछ मिक्स हो गया। अब हम इसमें पोर कर देंगे हमारा ठीक है जी, और अब छोलों के हिसाब से हमें जितना पानी और ऐड करना है, क्योंकि 1 घंटा विसल पे लगेंगे तो पानी ढंग से होना चाहिए वरना सूख जाएगा। तो आप मान के चल लो कि मैंने इसमें टोटल 2.5 गिलास पानी डाला है। ठीक है जी, ये इसमें डल गया पानी, सब कुछ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको चला देंगे विसल के लिए। तो 1 विसल फुल फ्लेम पर, उसके बाद मैं लो फ्लेम कर दूँगी बिल्कुल, और घड़ी देखकर 45 to 60 मिनट्स के बीच में आप रख सकते हैं, मैं पूरा 1 घंटा रखती हूँ इसे गैस पर। तो फ्रेंड्स, छोले हमारे बन रहे हैं, 1 घंटा तो इनको लगेगा, मैं देख कर आ गई हूँ वीडियो, सूजी वाला भटूरा कैसे बनाना है, बहुत ही इजी सा तरीका है, तो देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है हमारी सूजी। ठीक है, अब आप चाहे बारीक सूजी हो आपके पास, चाहे मोटी सूजी हो, लेकिन फिर भी इसको पहले हमें मिक्सी में पीसना है और भी ज़्यादा फाइन करने के लिए। तो जी, हमने फाइन सूजी पीस ली है 1 कप, ये ले ली मैंने एकदम मस्त बारीक पीसी हुई सूजी, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 स्पून सॉल्ट। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे इनो का 1/2 पाउच, आपके पास घर में मीठा सोडा हो तो आप वो डाल सकते हो, बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अब हमें इसका आटा लगाना है, तो हमें गूंदना नहीं है, बस उन्होंने बोला है कि बाइंड करना है इसको सिर्फ टुगेदर, तो वो कैसे करना है, नॉर्मल वाटर से नहीं, छाछ से या लस्सी से। तो आपके पास अगर छाछ ना हो तो आप दही में पानी डालकर उसे मिक्सी में चला लीजिए जैसे मैंने चलाया। और अब हम इसको करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्या बनता है। तो ये इस तरह से बस इकट्ठा करना है हमने, आई थिंक इसमें से 4 या 5 तो बन ही जाएंगे भटूरे, क्योंकि सबने मेरे यहाँ तो भटूरे खाने भी नहीं है। पार्थ को शौक चढ़ा है, पापा उसके टेस्ट कर लेंगे, अगर दादू टेस्ट करेंगे तो 1 आधा कर लेंगे बस। ठीक है जी, क्योंकि बहुत डीप फ्राइड होता है ना। अब इसको अंदर से भटूरा हमारा सॉफ्ट बने और बाहर से क्रिस्पी, इसके लिए हमें थोड़ा सा कोई भी सैचुरेटेड फैट डालना होता है, तो तेल ना डालकर आप घी डालेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसको मिक्स कर लेते हैं हम, और उन्होंने कहा है कि इसको रेस्ट पे रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इंस्टेंट भटूरे भी बना रहे हो तो कम से कम आप इसे किसी गर्म जगह पर 1/2 से 1 घंटा रेस्ट के लिए रख दो। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा अपनी गैलरी के वहाँ पर पास में रख के आती हूँ, वहाँ धूप आ रही है अच्छी। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा आटा के खमीर उठेगा, रेस्ट पे है और छोले बन रहे हैं, मैं प्याज का सैलेड बना रही हूँ, लच्छे वाला प्याज जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है छोले भटूरों के साथ। ठीक है, और मुझे थोड़ा सा सिरके वाला प्याज भी तैयार करना है। ये देखो, मैंने छोटे, ये भी छोटे सिरके वाले प्याज ले रखे हैं, तो थोड़े से सिरके वाले प्याज भी डालूंगी मैं। और वैसे मैंने ये लिए थे प्याज, 2 प्याज़ा मसाला बनाने के लिए, सब्जी अपने मकबैंग के लिए, वो भी बनाऊँगी किसी दिन, देखते हैं नेक्स्ट मकबैंग क्या करूँगी, कहाँ से निकल गया, फट गया है। तो जो लच्छे वाला प्याज है ना रेस्टोरेंट स्टाइल, उसकी मैं पूरी रेसिपी एक व्लॉग में अच्छे से दिखा चुकी हूँ, तो इसमें मैं आपको रेसिपी नहीं दिखा रही, सीधा मैं बना लेती हूँ, है ना। बस इसके बड़े बड़े से गोल गोल काट के रिंग्स निकाल के फ्रीज़ करती हूँ और फिर जो इसकी ड्रेसिंग बनाकर उसमें मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, ये मैं रख रही हूँ फ्रीज़र में। तो जी, हम कर रहे हैं किचन में काम, तो आपके जीजू को कैसे करने दें आराम, तो उनको भी लगाते हैं थोड़ा सा काम पे। ये है बढ़िया सा पपीता,
उनको बोलती हूँ काटेंगे और घर में सबको बांटेंगे। ओ जीजू पपीता काट दो। मैं बताऊँ तुम्हें, हाँ, जो आदमी की जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन बीवी को वो बन जाती है जैसे कि वो ठेकेदार होती है ना, और वो आदमी बन जाता है जैसे चिपके बीड़ी पी रहा आराम से बैठा, तो कुछ ना कुछ देती रहती कर। क्या दिया मैंने तुम्हें सुबह से? कर ये कर, अब पपीता काट। दोपहर को इतना बोला कि पपीता काट दो, मैं खाना बना रही हूँ ना। और बाहर कौन घूम के अभी सामान ले गया इतना सारा, बाजार कौन गया था? क्या सामान लाए हो तुम भाई? मैं गया था अभी। क्या लाए हो भाई? जो रिप्लेस करा के लाना, पार्क को भी ले गया था जिसके लिए। तो इतने सारे काम होते हैं मेरी जिंदगी में। रहन दो, तुम मेरे से ज्यादा काम नहीं है तुम्हें जिंदगी में। बैठ कर ना दोनों मैच या टीवी देखते हैं, ऐसे ऐसे पसरे होते हैं, और मुझे वहाँ किचन में आवाज मारते हैं, प्रिया भूख लगी है कोई फ्रूट ला दो, प्रिया भूख लगी है कुछ खाने को दे दो, प्रिया खाना कब बन रहा है? अब मजदूर बेचारे काम पे लग रहे हैं, छुट्टी है हमारी। मेरी तो कोई छुट्टी नहीं ना होती, हमारी कहाँ छुट्टी होती है, बस फुल स्टॉप। तो अब मैं तेल गर्म करने रख देती हूँ, छोले कर देते हैं साइड। गाइस अभी पड़े पड़े और गाढ़े और डार्क हो जाते हैं, ठीक है जी। और अब हम आटा चेक कर लेते हैं ना। तो फ्रेंड्स ये रहा आटा, और ये देखो आप हमारे अनियंस भी तैयार हो गए, लच्छेदार मसाला अनियंस। अब इसको पहले देख लेते हैं, ये देखो, ये आप देख रहे हो आटे के अंदर खमीर, ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर होना, तभी भटूरे बनेंगे, नहीं तो कुछ और ही बन जाएगा, पूड़ियाँ ही बन जाएंगी फिर, ठीक है ना, खमीरा सा आटा। तो अब मैं हाथ के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेती हूँ, और इसको एक बार अच्छे से मल लेते हैं हम। आई होप यार अच्छे भटूरे बन जाए, मेरे बेटे को पसंद आ जाए, उसका जो इच्छा है छोले भटूरे खाने की वो बिना मैदा खिलाए पूरी हो जाए। तो जी ये हमारा आटा तैयार हो गया, मुझे लगता है इसके 3 या 4 ही भटूरे बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। मैंने तुम दोनों को फोन किया इतना, और दोनों फोन छोड़ के गए हुए हो। क्यों किया तुम्हें? हमारी 10 मिनट में याद आने लग जाती। अरे गरम गरम क्या रे, गरम गरम खाना खा लो ना, मैं लटकी पड़ी हूँ यार, मैं भी फ्री होकर फिर काम करूँ अपना। मैंने भेजा था, मैंने भेजा था, तुम लोग अपनी मर्जी से गए हो क्रिकेट खेलने। देख स्वाद आ गया रे। ओह माय गॉड, स्वाद आ गया। ओह वेरी नाइस, चलो अब खाओ। देखो फिर मैंने व्लॉग में ओह माय गॉड बोल दिया, तेरा पेटेंट हो चुका है। ओह माय गॉड, तभी मैं बोलता हूँ, ऐसे बोलता हूँ। देख तेरे को एक दिखाऊं कमेंट, इधर आ, अभी अभी तेरे से रिलेटेड है, इधर आ जा। बहुत ही प्यारा लगा मुझे तो मैंने पिन कर दिया। This is a boy who is an year older or 2 years older to you. BTS in my son Bane. Pad. Aage karu okay. You got a new subscriber. Phir dekh uska. And thank you for making me relax with your mukbangs, because I am always on edge because I have my 10th boards. Hai na? Ab main board class mein ja raha hu. So you want to say something to him? Thank you bhaiya for your comment. And all the best for his boards. All the best for your boards. Ab to chal rahe honge na? Abhi chal rahe honge. Path ki taraf se all the best. All the best. Iski 9th khatam ho gayi, ab ye bhi aapke sath 10th mein aa gaya, ab bhaiya aage chale jayenge. Wo 11th mein. तो फ्रेंड्स भटूरे बनने लगे हैं अब फाइनली, और छोले गरम कर दिए मैंने इधर, और भटूरे का तेल एकदम तेज गरम होना चाहिए, तो देखते हैं चेक कर लेते हैं। अब जाके आया है ऊपर, तुरंत ऊपर आ जाना चाहिए, इसका मतलब अभी थोड़ा और हीट करेंगे हम, एकदम तेज गरम होना चाहिए हमारा तेल। लेके प्रभु का नाम करते हैं हम शुरू ये काम। जय अन्नपूर्णा माता की। बंजा भाई बंजा भटूरे, बंजा बंजा भटूरे, कम ऑन भटूरे, फूल जा भटूरे, भूल जा ना भाई, प्लीज भूल जा, प्लीज भूल जा, आई लव यू भाई, प्लीज भूल जा, भूल जा, मैं बता रही हूँ, बनाऊंगी तेरे को दोबारा, कभी फूलेगा नहीं तो। गाइस ये तो नहीं फूला,
वो जो YouTube पे वीडियो देखा ना आंटी जी, मुझे नहीं पता आपकी रेसिपी में दम नहीं था, आई एम सॉरी, मैं आपका नाम भी नहीं ले रही, आपकी रेसिपी से बढ़िया सा खतूरा बन गया होगा तो मैं आपके चैनल का नाम भी ले लेती। मैंने तो सब कुछ वैसे वैसे ही किया आंटी जी, पूरा एक घंटा रेस्ट पर रख दिया तब भी नहीं फूला। अब ये बताइए पापड़, पापड़ी चाट खिलाऊँ भटूरे की, पापड़ी चाट खाएगा मेरा बेटा, बताइए ज़रा आप। ये देखिए वाओ, पहली बार आपने देखा होगा एकदम फ्लैट क्रिस्पी गोल्डन भटूरा। पर मेरा बेटा है इतना कमाल का कि वो ये भी खा लेगा। मैं क्यों खाऊंगा ये, मुक्का मारना मैं दे। दोबारा ट्राई करो। करूंगी अभी, देखते हैं। ये तो बहुत टफ है। हाँ तो सूजी है ना, ये सूज गई है। मत कर प्लीज। ये मट्टी बन गई है, मट्टी गरम गरम खा लो। तो मट्टी है, मट्टी चावल खा रहे, छोले के साथ मट्टी भी खाते हैं लोग। मैं कौन खाता है? हाँ मैं खाती हूँ। खा लो फिर। ये अगला भी मुझे नहीं लगता फूलने वाला है। एक्चुअली ना इनो डाला है मैंने, मीठा सोडा डालना चाहिए था मुझे लगता है, क्योंकि हम तो मीठे सोडे का काम इनो से ही ले लेते हैं। आटे में कुछ फुलावट ही नहीं आई है, और अभी भी जो सूजी है बड़ी वो है, मोटी सी है शायद, तभी फटाफटा सा है आटा। ये तो नहीं हो रहा। अरे तू वीडियो तो बंद कर बेचारा, कह रहा मम्मी आटे की पूड़ी बना दे। मट्ठियाँ ही बन रही है, चलो सूजी की मट्ठी सही। ओए फूला फूला पात, ये वाला फूल गया। अरे फूला फूला, थोड़ा तो फूला, पूरी के जितना तो फूला। फूला 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 फूला, ये देखो पूरी के जितना तो फूला है एटलीस्ट। फोड़ू तभी मैं शुरू बोला था बुद्धिर बलंगे शो दे रहे हैं। क्योंकि मैं देखो अंदर से तो भटूरे जैसा है ना गाइस, दिख रहा है? चल खा के देख अब टेस्ट कैसा। तेरी इंतजार हो रही है फीडबैक की। हाँ अभी तो मैंने पपड़ी सी खाई थी, अब पूरी बाइट लेके खाऊंगा ना। आ गरम है अरे वाह क्या टेस्ट है, लाजवाब। सही में ऐसे बता रहा, ऑनेस्ट रिव्यू। ऑनेस्टली हाँ, छोले कैसे लग रहे हैं? एकदम टेस्टी, मजेदार। ओए ओए देखे बिना मिर्च के भी। मैंने लोगों को बताया कभी बिना मिर्च के भी ऐसी चीज ट्राई करनी चाहिए। सो आई एम हैप्पी। भटूरे का बिल्कुल भटूरे जैसा टेस्ट तो नहीं, लेकिन कुछ तो आ ही रहा होगा है ना। ये दूसरा भी थोड़ा सा फूल गया गाइस। जय गुरु जी। ये आज पूरी पेली जाएंगी गाइस। भटूरे तो बस पात के लिए ही थे, ये एक भटूरा उसने पापा को दिया है और बाकी पूड़ी बनी है। ये हमारी देसी पूड़ियाँ मस्त रहती हैं। अब मैं बना रही हूँ मम्मी जी का प्याज वाला पराठा, बहुत ही ज़्यादा ऑसम बना है, वेरी टेस्टी। अत्या प्रिया मेरी रेसिपी सीख गई हैं एकदम, भटूरा भी सही बना है। हाँ बहुत स्वाद था। मैंने कहा तुम मेरी रेसिपी सीख गए हो। अच्छा लगा पापा को? हाँ बहुत स्वाद। थैंक यू जान जी, मम्मी जी का प्याज का पराठा बन गया विद मक्खन जी, खिला के आते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो शाम हो गई है और मैंने ये वाला सूट पहन लिया है, कल मैंने थोड़ी देर पहन के फिर टांग दिया था, तो आज जाना है गुरु जी के बड़े मंदिर। एंड आई एम हैप्पी गुरुजी ने बुलाया है। ठीक है मैं तैयार हो चुकी हूँ, रेडी, बस इवनिंग टी बनाने लगी हूँ मोहित के लिए, और पार्थ को भी भूख लगी है, उसको भी दूध दूंगी, और दोनों को फ्रेंच फ्राइज़ खाने, तो थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाते हैं एयर फ्रायर में। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, दोपहर को पार्थ की दो फुल स्लीव टी शर्ट्स आई थी, और मैंने मिंत्रा से उसके जॉगर्स भी ऑर्डर किए हुए थे दो, तो आई थिंक ये वही आए हैं, देखती हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा सूट आया है, पार्थ के जॉगर्स अभी नहीं आए हैं। ब्लैक एंड वाइट में मेरा ना बड़ा मन था कुछ, ब्लैक एंड वाइट में काफ़ी टाइम से मैंने नहीं लिया था, तो ये सूट का जल्दी ही रिव्यू भी आ जाएगा मेरे इंस्टा पेज प्रियाज इंस्टा पे। ये रही मैं, और जय जय मेरे गुरुजी महाराज, तिलक लग चुका है। चलो किचन में चलते हैं, आलू कट करते हैं। वैसे तो मेरी दूसरी मेड आने वाली है जो वेजिटेबल कटिंग करती है, लेकिन
तब तक इन लोगों से वेट होगा नहीं, इनको भूख लगी हुई है, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। ठीक है, आलू ही तो काटने लंबे लंबे, लेट्स कट इट। सो गाइस, फ्रेंच फ्राइज मैंने रख दिए हैं और अभी मैं शिमला मिर्च काट रही हूँ। शिमला मिर्च आलू की सब्जी मैं बनाकर जाऊँगी मम्मी पापा के लिए, क्योंकि हमारा तो रात को गुरुजी के मंदिर में लंगर होगा, लेट आएंगे हम तो हम खा चुके होंगे। ये मैंने सब्जियाँ निकाल दी हैं, जो भी मेड आएगी शाम को तो वेजिटेबल कटिंग करके जाएगी और मैं बनाने लगी हूँ शिमला मिर्च आलू चपाती, वो बना जाएगी मम्मी पापा की। गाइस, फ्रेंच फ्राइज परोस दिए गए हैं आपके जीजू को। हेलो जी, तो हम घर से चल पड़े, सब्जी बन गई थी मेरी शिमला मिर्च आलू की और मेरी मेड भी आ गई, वेजिटेबल कटिंग करेगी, चपाती बना के जाएगी मम्मी पापा की, और हम रेडी होकर निकल लिए हैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सबको दर्शन कराते हैं। ये रहे आपके जीजू। हेलो जीजू। हेलो। ये रहा मेरा पार्थो। हेलो। हेलो। जय गुरुजी गाइस, दर्शन कर लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।